बाजार में मिलने वाला साफ और चमकीला गुड़ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इस गुड़ को साफ करने के लिए हाइड्रोजन और केमिकलों का इस्तेमाल हो रहा है। गंदगी इतनी कि देखने का मन ना करे, ऊपर से गुड़ में कीड़े मकोड़ों का अंबार लगा हुआ है। साथ ही गुड़ के कई ड्रम में छिपकली भी मरी हुई मिली। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गुड़ में मरी हुई छिपकली पड़ी हुई है। दरअसल खंडवा के परदेसीपुरा में फूड विभाग ने एक गुड़ बनाने वाले कारखाने पर छापेमारी कर इसका खुलासा किया। साथ ही मौके पर 5 क्विंटल मिलावटी गुड़ को भी जब्त किया है। के आधार पर यहाँ पे कार्रवाई के लिए आए और यहाँ पे गुड़ बनाते हुए पाया गया और गुड़ गंदा दिख रहा है, उसके नमूने लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। आगे जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये जो यहाँ पे मिला है वो सादिक बेग पिता मकसूद बेग नाम का व्यक्ति है जो ये काम कर रहा है यहाँ पे। कितना क्या मामला? यहाँ पे करीब 5-6 क्विंटल के आसपास है। ये यहाँ पे बनाकर उसे ठंडा करके और भेलियाँ बना के बेचता था। ये जांच रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि जांच रिपोर्ट किस तरह की आई है, आमानत आई है या इंजरीज टू हेल्थ आई है। अगर इंजरीज टू हेल्थ आएगी तो उस हिसाब से प्रकरण पंजीबद्ध किए जाएंगे। सैंपल लिए गए हैं जांच के लिए, जो भी होगा वस्तु स्थिति रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगी। काला गुड़ लाकर उसको वाइट करते थे, केमिकल मिलाते, किस प्रकार का अपराध है? अपराध तो बनता है, अपराध तो है ही, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत अपराध है ये। किस प्रकार का केमिकल मिलाकर उसको वाइट करते? ये अभी यहाँ पे केमिकल ऐसा बरामद नहीं हुआ। मक्के का आटा वगैरह भी मिलाया जा रहा है? मक्का का आटा नहीं, ये यहाँ पे जो बन रहा है वो ड्रमों में भरा हुआ गुड़ पाया गया है, उन्हीं के सैंपल अपन ने लिए हैं। और जो सैंपल ले लिए गए, जैसा वो होगा आगे की कार्रवाई की जाएगी रिपोर्ट आने के बाद। ये सर हमारा कहना, ये भेली में लाया था खरीद का, तो ये सर ये पिघलती है, तो इसको मार्केट में कोई नहीं लेता इसे, तो इसको हम ढोरों के लिए बनाते हैं, ढोर वालों को देते हैं सर, ये गाय ढोर भैंस इनको सप्लाई करते हैं। ये सर चिल्लर दुकानों पे से लेकर आते हैं सर, जिसे इनका कहने माल वेस्टेड हो जाता है सर, पिघलने लग जाता है। गुड़ की जो नरमाई गरमाई होती है सर, इसके कारण ये पिघलता भी है सर। कुछ ऐसी भेली है मेरे पास रखी हुई कि जो पिघलती भी है मौसम के हिसाब से, जैसे बाहर पिघलती, तो वो उस माल को हम गर्म कर कर ढोरों के लिए बनाते हैं। छिपकली और कीड़े मकोड़ों से मिले हुए गुड़ को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मिलावटखोरों को लोगों की सेहत से कोई लेना देना नहीं है, बस उनकी जेब भरनी चाहिए। खंडवा से न्यूज़ के लिए अजीत लाड़ की रिपोर्ट।